Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाश और मैं हूं अनम कासमी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, टिप टॉप होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान में सियासत का मौसम तेजी से बदल रहा है। कहीं MQM और PTI की मुशावरत हो रही है और कहीं पाक से जमीन पार्टी से भी PTI रहनुमा की मुलाकातें। दूसरी जानब अपोजिशन लीडर के मामले पर खुर्शीद शाह के शिकवे, एक दूसरे से सियासत में बाजी ले जाने की सर तोड़ कोशिशें, बयान, जीत का ना थमने वाला सिलसिला। चले मान लेते हैं कि ये सब जमहूरियत का हुस्न है, मगर गुज़िश्ता रोज हमने एक जमहूरी मुल्क के वजीर को बेबस देखा। जी हाँ, वजीर दाखला एहसन इकबाल। बिल्कुल भाई, कल तो ऐसा लग रहा था कि कमरा अदालत के अंदर से ज्यादा अहम अदालत के बाहर का समा है और अहम मुद्दे फकत ये रह गए हैं कि एहसन इकबाल को दिया। सारे टीवी टॉक शोज में भी इसी चीज पर बातचीत होती रही और फोकस नवाज शरीफ की पेशी से हटकर रेंजर्स की तैनाती पर रखा रह गया। बात तो वाकई दुरुस्त है कि एहसन इकबाल के मातहत इदारा उनकी इजाजत के बगैर इकदाम कैसे कर सकता है और फिर काफी गर्मा गर्मी के बाद भी हुक्म दिया गया। पर इस सब में जहाँ एक तरफ एहसन इकबाल शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं, वहीं उनके इख्तियार पर भी सवाल उठता है कि वजीर दाखिला होने के बावजूद ये सब उनके अंडर कैसे होता रहा। तो मैं बात कर रही थी जमहूरियत की। कल हमने एहतसाब अदालत के बाहर जो मनाजिर देख ले, बुखला सहाफी और लीगी रहनुमाओं को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली और इस पर एहसन इकबाल बरहम हुए और इस्तीफे का बयान दाग दिया। अरे ये आवाज तो PTI से भी आती थी, मगर खैर बात थम गई। अब ये बाद में पता चलेगा कि सारी गैर जिम्मेदारी का जिम्मेदार कौन है। हुकूमत में होने के बावजूद नून लीग के ये शिकवे किसके लिए हैं? स्टेट विद इन स्टेट कौन है? शिकवे से याद आया कि गुज़िश्ता रोज शायकी ने क्रिकेट भी शिकवा करते दिखाई, हम मैच जो हार गए भाई, सारी टीम तू चल में आया के फॉर्मूले पर अमल करने में लगी थी। इस पर भी बात करेंगे कि टफ कंडीशंस में प्रेशर में आना हमारी टीम की रिवायत है या फिर कोई प्लानिंग ही नहीं होती। यकीन माने कल मैच देखकर तो ऐसा लग रहा था कि किसी आसान मैच को मुश्किल बनाना कोई हमसे सीखे। 136 रन का हदफ पाकिस्तानी टीम के लिए ऐसे था जैसे कोई पहाड़। खैर कल तो टीम ने सीरीज को 1-0 की बढ़तरी उसमें हासिल कर ली है सीरीज में, लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है। सो वी विश आवर टीम्स बेस्ट ऑफ लक। इसके अलावा दूसरी जानिब आज साबिक नाअहल वजीर आजम को पार्टी सितारत का ताज पहनाने की तैयारियां भी की जा रही हैं, जिस पर अपोजिशन जमातें काफी एतराजात उठा रही हैं। बात तो वजह है कि आईनी और कानूनी नजर के बरक्स इसको पार्टी सदर बनाना क्या इखलाकी जवाब से दुरुस्त है? इस सब पर आज के शो में बात होगी, लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। अचानक रेंजर्स नमूदार हुए हैं, कस्टडी टेक ओवर कर ली। मैं बहसियत इंटीरियर मिनिस्टर इस सूरत हाल का नोटिस लिए बगैर नहीं रह सकता। रेंजर्स इज अ फोर्स विच इज सबॉर्डिनेट टू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। ये असूल साबित नहीं होगा कि रिट ऑफ द स्टेट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की रिट क्या है। देन आई विल रिजाइन एज इंटीरियर मिनिस्टर। वजीर दाखला को दाखले की इजाजत ना मिली, मुझे क्यों निकाला के बाद जहन में यही सवाल था कि मुझे किसने रोका। ला इल्म वज़रा बेखबर, कमिश्नर ने दरख्वास्त नहीं दी तो फिर रेंजर्स को किसने बुलाया। अहल होने वाले साबिक वजीर आजम अब सदर बनेंगे, लेकिन मुल्क के नहीं अपनी पार्टी के। मियां साहब की पार्टी सदारत संभालने की राह में हायल, आखिरी रुकावट भी दूर हो गई। ऑपोजिशन चीखती चिल्लाती रही, लेकिन कौमी असेंबली ने इंतखाबी इस्लाहाती तरमीमी बिल 2017 मंजूर कर लिया। Bill to amend, consolidate, and unify law relating to the conduct of elections, the Election Bill 2017, be passed. All those in favour of it may say aye. All those against, you know, I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. तो जनाब आज की टॉप स्टोरीज और अखबारात में आज कौन कौन सी खबरें हैं, तो ओवरऑल ही हमने देखा कि पिछले 3 दिन हम नहीं थे और तीनों दिनों में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं। वही तमाम खबरें जो हैं वो आज एक्सप्रेस रोजनामा में जीनत बनाई हुई
अच्छा, सबसे पहले अगर जिक्र करें हम तो वजीर दाखला के बयान के हवाले से यहाँ पर एक मेन खबर लगाई गई है जिसको हम लीड कहते हैं, जबकि मेन हेडलाइन जो है वो नाअहली की मुदत के हवाले से है कि 5 साल पार्टी सदर रह सकते हैं, कानून मंजूर हो चुका है, अपोजिशन है, अपोजिशन बहुत से शिकवे करी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि आज साबिक नाअहल वजीर आजम नवाज शरीफ पर सदारत का ताज सज जाएगा और वो पार्टी के एक बार फिर से सदर मुंतखब हो रहे हैं। तो इस हवाले से ये खबर जो है यहाँ पर अहम लगाई गई। अच्छा जी, अहम खबरों में तो अगर खुलासा करें तो यही खबरें रहीं कि एहतसाब अदालत के बाहर जो फिर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से कि वो आज पार्टी के सदर बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा मुखालफत भी की गई, पार्लियामेंट में नारे भी, जुमले भी, तनकीद भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो अब जो है वो पार्टी के सदर बन जाएंगे। और फिर देखना यह कि पार्टी का अगला लाहे अमल क्या होगा। इसके हवाले से अगर बात की जाए तो इमरान खान के हवाले से आज नाअहली केस की समाअत भी है और बहुत इंपॉर्टेंट समाअत है। इससे पहले अदालत ने उनसे ट्रांजेक्शन के हवाले से कहा था जिस पे उनकी दस्तावेजात जो है वो मुकम्मल नहीं थी, तो कहा जा रहा था कि पीटीआई कुछ मुश्किल में आ सकती है। लेकिन कल हमने देखा कि खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साथ साथ एहसन इकबाल को भी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि उनको पता तो था कि रेंजर्स तलब की गई है, बुलाई गई है मदद के लिए, क्योंकि इससे पहले अदालत के बाहर जो कुछ भी होता रहा है उस वजह से जो है वो रेंजर्स को तलब किया गया। हम अब ये पता चला है कि खान साहब कल कह रहे थे ये बात कि ट्रांजैक्शंस के हवाले से जमायमा ने उनको वो ट्रांजैक्शंस भी दे दी हैं जो मिल नहीं रही थी। तो मेरे ख्याल में आज जब उनकी ये समाअत होगी या उनके वकला ये तमाम ट्रांजैक्शन या दस्तावेजात पेश करेंगे तो काफ़ी केस का रुख जो है वो टर्न हो जाएगा और देखते हैं कि केस किस रुख की तरफ जाता है। तो ये तो थी आज की अहम समाअत जो होने जा रही है। इसके अलावा आज नून लीग में जो उनका अपना एक इजलास है, मुशावरती इजलास कल से ही जारी है, पंजाब हाउस में भी हुआ, जब साबिक वज़ीर आज़म नाअहली साबिक वज़ीर आज़म जब निकले थे एहतसाब अदालत के लिए और उसके बाद भी मुशावरती इजलास हुआ और उस इजलास में जो है ये तमाम बातें भी डिस्कस की गई कि जी एहतसाब अदालत के बाहर जो कुछ हुआ तो वो कैसे हुआ, इसकी तहकीकात कराई जाएगी। तो सर अब ये तमाम खबरें जो सबा ने बताई वो जंग में थी, लेकिन अगर हम बात करें एक्सप्रेस की तो एक्सप्रेस में जो एक हाँ पे है वो कल की पेशी के हवाले से भी हमने देखा कि तमाम टॉक शोज के अंदर, तमाम प्रोग्राम्स में जो है वो बात हो रही थी कि कल अदालत के बाहर क्या हुआ, लेकिन लोगों का फोकस जो है ऐसा लग रहा था बिल्कुल डाइवर्ट हो चुका है कि एक्चुअल में तो वहां पर पेशी के लिए नवाज शरीफ साहब अंदर गए थे तो अंदर हुआ, मीडिया वालों को भी वहां जाने नहीं दिया, जबकि मीडिया वालों के नाम जो एसओपी था उसमें मेंशन थे कि मीडिया के अफराद वहां अंदर जा सकते हैं, लेकिन उसकी भी इजाजत नहीं दी गई। लेकिन फिर भी हमारे पास जनाब अंदर की खबरें हैं कि अंदर क्या कुछ हुआ। और हम बात करें कि कल जो तमाम तर सूरत हाल रही उसमें हमने देखा कि नवाज शरीफ पर फर्दे जुर्म जो है वो तो आयद नहीं की गई, 9 अक्टूबर तक उसके लिए मौखर कर दिया गया है, जबकि उनके बच्चे हसन हुसैन और साथ साथ जो उनके दामाद हैं कैप्टन सफदर, उनके ऊपर नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, जबकि काबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि अंदर अदालत में कल कुलसूम नवाज की मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई, जिस बिना पर जो मरियम नवाज है उनको थोड़ी सी मोहलत मिल गई कि मेरी माँ बीमार है और मैं अभी जो है पेश नहीं हो सकती, जिस बिना पर उन्हें भी अब हम बाकी सबको तो नाकाबले जमानत लेकिन मरियम नवाज के काबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। अच्छा। तो ये खबर जो है यहाँ पर अहम लगाई गई है। उसके अलावा अगर आज की अहम कुछ मजीद खबरें बताऊं तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी में मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी खतरात के हवाले से कुछ बातचीत की जाएगी और सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा, जो कि खबर यहां पर लगाई गई है। ठीक है। अच्छा, नवाज शरीफ के हवाले से यहाँ पर खबर है कि नवाज शरीफ की पेशी, सहाफियों को कमरे अदालत से बाहर निकालना आजादी सहाफत पर बराए रास्त हमला है। अच्छा, ये जो बात हम कर रहे हैं कि जी सहाफियों को अंदर नहीं जाने दिया, वकला को अंदर नहीं जाने दिया, नैब प्रोसिक्यूटर्स को बड़ी मुश्किल वहां पर पेश आ रही थी और ये सब उसका रिएक्शन था इससे पहले जो वहां पर गर्मा गर्मी हुई थी वुजरा की, तो इस हवाले से अदालत का जो मौकफ सामने आया है, अदालत तो ये कहती है कि हमने किसी को नहीं रुका, बाकायदा इसकी तहकीकात की जाएगी, बल्कि अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि अब नेक्स्ट टाइम जब सहाफी आएंगे तो उनको खुद रिसीव करने है वो आएगा। तो जब भी किसी मीडिया को या सहाफियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाती तो कल सारा दिन यही बात हो रही थी कि फिर स्पेकुलेशंस होती हैं, फिर अफवाहें फैलती हैं और फिर रिपोर्टिंग भी गलत होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अदालत की तरफ से भी ये कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो अदालत का मौकफ भी बहुत वाजह है और अगर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की बात की है तो डेफिनेटली एक अहम कॉन्फ्रेंस है जिसमें आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, जो अफगानिस्तान का दौरा किया है उन्होंने काबुल का एक रोज़ा, उसके बारे में भी बात करेंगे और अहम कॉन्फ्रेंस है जिसमें अहम चीज़ें जो है वो ज़ेर गौर आएंगी। अच्छा, मेरे पास बिजनेस रिकॉर्डर है और बिजनेस रिकॉर्डर की जो लीड्स हैं वो भी इसी हवाले से हैं कि बिल फेवरिंग नवाज पास बाय नेशनल असम्बली, तो उसी बिल के हवाले से बात है जिसके तहत आज नवाज शरीफ
बन जाएंगे। और ओवरऑल अगर बात की जाए महंगाई के हवाले से तो पेट्रोल के नर्ख जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली इससे आवाम थोड़ा परेशान। बिल्कुल जना, बहुत सी चीजों में कंफ्यूजन नजर आ रही है और कल सिचुएशन भी रेंजर्स की तैनाती अपनी जगह, लेकिन जज साहब भी इस वक्त काफी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं और वो भी समझ रहे थे कि गवर्नमेंट के इस इकदाम को हम बहुत सराहते हैं कि उन्होंने रेंजर्स को यहाँ पर तैनात किया, क्योंकि ओवरऑल तमाम कार्रवाई बड़ी अमन अमान और बड़ी सुकून के साथ जो है वो कार्रवाई हुई। तो ये कंफ्यूजन एक तरफ ये थी, दूसरी तरफ मीडिया के नुमाइंदों को नहीं जाने दिया ये भी कंफ्यूजन थी कि जी जब SOP फाइनल हुआ है तो उसके बावजूद मीडिया को क्यों अंदर नहीं जाने दिया, और तीसरी जानब रेंजर्स बगैर इजाजत के वहां पर तैनात कैसे हुई। तो इन तमाम तरह कंफ्यूजन के हवाले से आज अखबार भरे पड़े हैं, आगे चल के भी इन सब पर बात होगी, लेकिन अब रुख करेंगे विपक्ष का और जानेंगे कि वहां पर आज कौन कौन सी एक्टिविटीज है, कौन कौन सी गर्मा गर्म खबरें हैं। वसीम रज़ाक इस वक्त हमारे लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी वसीम, अपडेट कीजिए। जी अगर आज बात करें वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी की, तो आज सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इमरान खान नाहली केस की समाअत होगी। अकरम शेख जो नीफ अब्बासी दरख्वास्त गुजार के वकील हैं, उनकी जानिब से जवाबुल जवाब में आज अपने दलाइल दिए जाएंगे, और जो जो नई दस्तावेजात इमरान खान के वकील की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई हैं उस हवाले से आज वो अपने दलाइल देंगे। लॉयर कोर्ट की बात करें तो बेनजीर भुट्टो जो मर्डर केस है उसकी आज समाअत होगी। इसके साथ साथ आज अहम जो इजलास है वो कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में हो रहा है, जहाँ पर आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हो रहे हैं, क्योंकि पार्टी में भी तरमीम की जा चुकी है और उसके बाद पार्लियामेंट के बाद सदर ने जो है तरमीम को मंजूर भी के साथ साथ ये तरमीम को मंजूरी के बाद आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं। यही उम्मीद की जा रही है कि नवाज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हो जाएंगे। इसके अलावा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस तलब की उसको इजलास GHQ इस्लामाबाद रावलपिंडी में होगा और वहां पर भी मुल्की बैन अल-अक़वामी जो सूरत हाल उसका जायजा लिया जाएगा। इसके साथ हमारे नुमाइंदे हमें वफाकी दारुलहुकूमत से अपडेट कर रहे हैं, वो बता रहे थे कि जो आज एक अहम डेवलपमेंट होने जा रही है वो डेफिनेटली इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से है, जो मुस्लिम लीग नून के तहत होंगे और उसके बाद फिर पार्टी सदर को मुंतखब। रुख कर लेते हैं लाहौर का और जानेंगे हुमा भट्ट से कि आज लाहौर शहर में क्या सियासी और सामाजिक सरगर्मियां होने वाली हैं। जी हुमा भट्ट, गुड मॉर्निंग, आज अपडेट कीजिए। गुड मॉर्निंग, आज और सियासी सरगर्मियां जो हैं उसके लिए तो इस मरकज बन चुका हुआ है, वहीं पर सियासी सरगर्मियां हमें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लाहौर में इस वक्त कोई सियासतदान जो है ऐसे सामने बाहर तो दिखाई नहीं दे रहा कि कोई सियासी सरगर्मियां करता हुआ दिखाई दे। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं तो जो पारा बुलंद है इस्लामाबाद का, उसके हवाले से आज लाहौर का पारा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सा है, एतदाल सा है, मौसम भी उसी तरह का है, बिल्कुल नॉर्मल सा है। सुबह के वक्त गर्मी हो रही है और रात के वक्त ठंडक सी फील हो रहा है कि बस सर्दियां जो है वो आने ही वाली हैं। और अगर सरगर्मियों का जिक्र करूं, सियासी तो नहीं बात करूंगी क्योंकि डॉक्टर ताहिर कादरी यहां पर मौजूद जरूर हैं, लेकिन वो ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल नहीं कर रहे क्योंकि वो देखना शायद चाह रहे हैं कि जो साबिक वज़ीर आज़म जो थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उनके जो एहतसाब अदालत उनकी पेशी है उसके हवाले से क्या रिजल्ट आता है उसको देखना चाहेंगे यकीनन, उसके बाद ही वो कुछ ना कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर जिक्र करूं तो आज मैं आपको बता दूं कि एक खुशखबरी है टीचर्स के लिए, वो ये खुशखबरी है कि 5 अक्टूबर को होने जा रहा है जी टीचर्स डे, लेकिन उसके लिए 500 जो टीचर्स हैं वो सिलेक्ट कर लिए गए हैं जो कि बेस्ट टीचर्स होंगे। एक तो अवार्ड भी उनको दिया जाएगा 5 अक्टूबर को और उसके साथ साथ उन्हें 10,000 रुपए भी प्रदान किया जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है हुमा भट्ट आपने, बहुत शुक्रिया आपका। और बाकी टीचर्स डे आ रहा है 8 अक्टूबर को, तो डेफिनेटली उसके लिए काफी तैयारियां भी की जा रही हैं और अब तो अवार्ड फंक्शंस भी किए जा रहे हैं। सो मुझे थोड़ा सा जो है एतराज है, भाई 500 टीचर्स क्यों सिलेक्ट किए हैं? टीचर्स तो सारे ही बेस्ट होते हैं, जो भी आपको एक लफ्ज भी पढ़ा है वो भी आपका टीचर होता है और टीचर्स सारे बेस्ट होते हैं। तो जनाब टीचर्स डे आ रहा है और 500 टीचर्स बेस्ट सिलेक्ट किए, उस दिन मैं और अनम भी अपने टीचर्स के हवाले से बात करेंगे। तो गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का कहीं जाएगा, मैं डोंट गो एनी वे, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब अखबारात में आज कौन कौन से मौजूद जेरे बहस है, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफी नफीस। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। नफीस भाई, मैंने सुना आपने लॉन वगैरह कुछ अप्लाई किया हुआ इन... जी हाँ सब, असल में बेगम ने फरमाइश कर दी एक हार की, लेकिन अच्छा। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि हीरो का नहीं चाहिए, टमाटर का हार चाहिए। टमाटर का हार चाहिए। तो उसके लिए लाजमी वादे मुझे बैंक से कर्ज का,
ये मजाक की एक तरफ, लेकिन ये हकीकत है कि सब्जियों की कीमतें खास करके टमाटर की इतनी ज्यादा हो गई है कि वो गरीब आवाम की दस्तरस से बाहर हो गई है। नफीसा, मैं कल ग्रोसरी करके आई हूँ और सिर्फ टमाटर नहीं, मटर भी उतने ही महंगे हैं, मुझे तो मटर भी बहुत महंगे लग रहे थे। जी हाँ, तकरीबन तमाम सब्जियों की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही है और गरीब की तो बस उसका हाल ही बुरा है। इसी पर एक आ गया है महंगाई के, जिसे कहा जा रहा है जंग का एक इदारिया है, पेट्रोल की नए नर्ख महंगाई का बम। As expected. जी हाँ, अब ये हमने कहा था कि 2 रुपए पेट्रोल पे, डीजल पे, लाइट डीजल पे और 4 रुपए मिट्टी के तेल की पर जो है ना फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने, वजीर आजम ने इसकी मंजूरी दी, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि ओगरा की जो रिकमेंडेशन थी कि मिट्टी के तेल बढ़ाए जाए, उसको जो है ना उन्होंने बकौल उनके के रियायत की है हुकूमत ने, जबकि इदारे ये कहते हैं कि 25 अरब रुपए महाना जो है वो टैक्स की मद में लेती है हुकूमत और लेवी की मद में, पेट्रोलियम लेवी की मद में रुपए लेती है। तो कम से कम आवाम का भी ख्याल करें, महंगाई की चक्की में पहले ही ये पिसे हुए हैं। अब हम देख रहे हैं कि अभी आप खबरें पढ़ रहे थे, आज सदर बन रहे हैं नवाज शरीफ साहब, और देखें चट जिसे कहते हैं ना पट मंगनी चट ब्याह या चट पट ब्याह चट मंगनी, जो भी होता है ये एक मुहावरा है, वही हुकूमत ने इस तरह किया कि यूं पलक झपकते में CWC का इजलास भी हो गया, सेनेट से मंजूरी हो गई, सब हक्का बक्का है कि यार इनकी तो अक्सरियत भी नहीं थी, कैसे पास हो गया, के सामने लोग शोर मचाते रह गए, मगर असेंबली में भी वो जितनी भी उन्होंने रुकस या कमोशन थी उसके बावजूद जो बिल पास हो गया, सब कुछ हो गया। आज जो है वो नाअहल वजीर आजम जिन्हें नाअहल किया गया था अदालत की जानिब से, वो अब पार्टी की सदारत संभाल लेंगे, यह कभी इम्कान है। ये तमाम अपनी मशीनरी, तमाम अपने रिसोर्सेज, वसाइल जो हैं वो इसी चीज़ों के पीछे लगे हुए हम देख रहे हैं। खारजा उमूर के हवाले से भी हम देख रहे हैं तो वहाँ भी हमें उजियत का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ भी हमारे मसाइल हैं, अंदरूनी हालात देख रहे हैं तो वहाँ भी मसाइल हैं। तो आवाम का कौन मुद्दा छेड़ दिया है ना, वो बहुत तवील तक जाएगा और आज मेरा ख्याल हमारे शोबे भी आगे चल के इस पे बात करेंगे हम, लेकिन चूंकि आप एक तजियाकार भी हैं, आपका इतना अरसा इसमें इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो अब सिदारत का ताज सजाया जा रहा है नवाज शरीफ के सर पर, इसके हवाले से एतराजात तो उठाए जा रहे हैं, आईनी लिहाज से हो, जो भी तब्दीलियां करनी हो, जो भी आयन मंजूर कराने हो, वो सब हो चुका है। इखलाकी जवाब क्या कहता है, क्या कोई नाअहल साबिक वजीर आजम एक पार्टी सदर बने तो इखलाकी तौर पर आपको दुरुस्त लगता है? देखिए वो तो इस इखलाकी नोशन को तो डिनाई करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारा मौका, हमने अमल तो कर दिया है मगर हम इस फैसले को नहीं मानते, बकौल उनके कि वो आप माने ना माने फैसला तो आगे, बकौल उनके नवाज शरीफ साहब नाअहल नहीं है, वो अभी भी अपने ओहदे के अहल हैं, लोगों के वजीर आजम हैं, दिल में बसते हैं। लेकिन इस फैसले से बेखिलाफ जो अभी हुआ है, जो कौमी असेंबली में पास हुआ, वहाँ भी आवाजें उठी हैं, चाहे नवीद कमर साहब की तकरीर सुन लें, खुर्शीद शाह की सुन लें, खुद उनके अपोजिशन के दूसरे स्टॉलवर्ट्स की सुन लें, वो यही कि ये ऐसा बिल है जिसको आगे चल के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा और उसके फिर नतीजे हम देखेंगे, फिर एक कहानी वापस आएगी। लेकिन बहरहाल इस वक्त हुकूमत ने अपनी जो नंबरिंग गेम जो है, नंबर गेम वो पूरी कर ली है और वजीर और जो साबिक वजीर आजम है वो फिर जो है अपनी पार्टी की सरकार संभालने जा रहे हैं। टमाटर की इकोनॉमी की, महंगाई की और इन तमाम चीजों की, तो इस चीज के ऊपर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट सुनी फोर्ब्स मैगजीन, जो कि बड़ा मुस्तनद मैगजीन है और उसमें तमाम चीज़ें जो भी पब्लिश की जाती हैं या बताई जाती हैं, लोग उसको बड़ा इन्फ्लुएंशियली जो है वो फॉलो करते हैं। उसमें था कि जी पाकिस्तान की इकॉनमी, मीशत बड़ी बेहतर हो रही है और पहले जिस रैंकिंग पे थी उससे बढ़कर अब बेहतर हो गई है और पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में अब शामिल होता जा रहा है जिनकी मीशत बहुत बेहतर है और स्टेक होल्डर्स हों या जितने भी बाहर के लोग हों उनका इत्मीनान बढ़ रहा है और हमारे यहाँ पेट्रोल, टमाटर, सब्जियाँ सब महंगी हो रही हैं, ये क्या कॉम्बिनेशन है? देखिए सेट बढ़ रहा है इसमें कोई शक नहीं, बरामदात में मसला हो रहा है हमारे हमारे साथ, इसमें सारे इंडिकेटर्स जो हमारे इंटरनल इंडिकेटर्स हैं जो बताई जा रही है, आप गुर्बत की सतह देख लें वो भी हमारी बढ़ती जा रही है, तो गरीब की कमर टूट रही है। हम तो यहाँ से देखते हैं ना इंडिकेटर्स, अगर माशी देखो तो हमारी जाती जिंदगी पे जो मसला पड़ते हैं मईशत के, उसको आम तो परेशान है। आप अगर बाहर निकल के देखते हैं महंगाई की हद से भी, हम जो बात कर रहे थे सब्जियों के हवाले से, जब आप एक गरीब आदमी सब्जियां खरीदने की उसके सब्जियों उसकी दस्तर से बाहर हो गई हैं, तो ऐसी मईशत का क्या करेंगे, क्या करेंगे? ठीक है, बात है। अच्छा नफीसन साहब, बिल्कुल दुरुस्त आपने बात कही है और इस वक्त हमें जो आम आदमी के मसाइल है उसमें सबसे पहले तो ये महंगाई की बात ही आ जाती है। अब आज कोई इदारिया जो आप चाहें, आज मैं चाह रहा हूँ, ये एक बड़ा खूबसूरत सा आर्टिकल है वसतुल्लाह साहब का एक्सप्रेस में, दिल की बात, और उन्होंने अपनी दिल की बात इस तरह की है कि क्या एंटी लालच वैक्सीन तैयार हो सकती है। क्या मासूम सवाल है।
अच्छा उन्होंने देहात का जिक्र किया, ना सिर्फ पाकिस्तान में होने वाले 8 अक्टूबर 2005 में जो जलजला आया था इस हवाले से इन्होंने एक शमकुशा इंकशाफ किया है। एक डॉक्टर साहब की तहरीर को उन्होंने लिखा है, डॉक्टर शेर शाह जो कि गायनोकोलॉजिस्ट थे और वो उन रजाकारों थे जिन्होंने लोगों की मदद की जो 90,000 जब हलाकतें हुई थी। वो कहते हैं कि जो हमारे पास लवाहिकीन या जख्मी आ रहे थे वो बता रहे थे कि ऐसे ग्रुप सरगर्म, यानी कि कितनी बड़ी तबाही थी, एक अलमिया था उस वक्त, वो कहते हैं ऐसे ग्रुप सरगर्म थे जो तबाहशुदा घरों में जाके जेवरात चोरी कर रहे थे, सामान उठा रहे थे, इवन खवातीन के जो है वो बुंदे क्या कहते हैं बालियां वगैरह वो कानों से खींच रहे थे डेड बॉडी से। तो ये हाल था। उसके अलावा हमने 10 में जब पाकिस्तान में सैलाब आया, अभी इंडिया में देखे, इंडिया में देखे 22 अफराद जो अभी हलाक हुए, पुल पर जो एक पैनिक हुई थी, पुल में भगदड़ मची, 22 अफराद हलाक हो गए, उसमें एक शख्स को बाकायदा वो वीडियो वायरल है, वो एक खातून से जो कि मौत के उसमें थी, मरने वाली थी, उसके साथ ज्यादती की कोशिश कर रहा था और वो वहां से भाग गए। भारत तक भी क्यों जा रहे हैं अपने मुल्क में? टैंकर जब गिरा है तो हम सब ने क्या किया जी, लालच में पूरी कौम भागी और है, एक साने ही का शिकार। और वसल्लत साहब यही कहते हैं कि जब इस तरह की बेबसी से लूटी हुई की जब बात आती है ना, मरहला आता है, तो यहाँ पहली दुनिया और तीसरी दुनिया का फर्क मिट देखा था। हाँ। अमेरिका में 1977 में जब हुआ था कि एक बिजली का बहरान आया था, 25 घंटे बाद जब बिजली रेस्टोर हुई तो हजारों गाड़ियों को आग लगा दी गई थी और कई लोगों ने लूट लिए, यानी कि 1600 तकरीबन सुपर स्टोर ऐसे थे जो कि लूट लिए गए थे। ये नेशंस के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उनके अंदर कितनी अखलाकियात है, चाहे उनका ताल्लुक अमरीका से हो, इंडिया से हो, चीन से हो या जापान। नफीस नईम साहब हमारे साथ दोनों एडिटोरियल के ऊपर बातचीत कर रहे थे। गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जनाब आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं रेंजर्स की वाले से, जिस पर कल पूरा दिन ही बहुत बड़ा इशू बना रहा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी के मौका पर वजीर दाखिला एहसन इकबाल को अदालत में दाखिले से रोकने के मामले ने जोर पकड़ लिया। सबसे अहम बात यह कि रेंजर्स को ये जो इख्तियारात दिए हैं वो किसने दिए हैं, और यही सवालात कल पूरा दिन गर्दिश। मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है, अब देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। रेंजर्स नमूदार हुए हैं, कस्टडी टेक ओवर कर ली। मैं बहसियत इंटीरियर मिनिस्टर इस सूरत हाल का नोटिस लिए बगैर नहीं रह सकता। रेंजर्स इज अ फोर्स विच इज सबॉर्डिनेट टू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। ये असूल साबिका कि रिट ऑफ द स्टेट क्या है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की रिट क्या है, देन आई विल रिजाइन एज इंटीरियर मिनिस्टर। वजीर दाखिला को दाखिले की इजाजत ना मिली, आखिर ऐसा क्या हुआ जो मुल्क के तमाम दाखिली मामला संभालने वाले के लिए ऐसी भी जगह है जहां वो खुद ही दाखिल नहीं हो सकती? तो थी ना हेल होने वाले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की, लेकिन पेश पेश रहे तकरीबन तमाम ही वुजरा। बिन बुलाए मेहमान की तरह चले आने पर मेजबान ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। राजा सफरुल हक, वजीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी, दानियाल अजीज और तलाल चौधरी को भी दाखिले की इजाजत ना मिली, जिस पर वजीर दाखिला एहसन इकबाल से शिकायत की गई तो वो भी धूमधाम से तशरीफ ले आए। अदालत पहुंचने पर उनका गुस्सा उरूज पर था और सारा नजला उतरा बेचारे असिस्टेंट कमिश्नर पर। मुझे चीफ कमिश्नर ने ये मुतला किया कि अचानक रेंजर्स नमूदार हुए हैं और रेंजर्स ने जगह की कस्टडी टेक ओवर कर ली है। इस्लामाबाद में रेंजर्स आर अंडर द कमांड ऑफ चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर ने कहा कि मैंने उन्हें कहा कि यहाँ पर एक इंतज़ाम तय हुआ है, हमने उसके मुताबिक, और चीफ कमिश्नर के मुताबिक जो मुकामी रेंजर्स की उनकी यहाँ पे कमांड कर रहे थे लोग, उन्होंने चीफ कमिश्नर को इनकार कर दिया कि हमारे अपने हुक्म हैं और हम नवाज शरीफ साहब के अलावा किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। मुझे क्यों निकाला के बाद सबके जहन में यही सवाल था कि हमें किसने रोका? वजीरे दाखला लाइल्म, वुजरा बेखबर, कमिश्नर ने दरख्वास्त नहीं दी, तो फिर रेंजर्स को किसने बुलाया? एहतसाब अदालत ने अपने तहरीरी हुक्म रेंजर्स की मौजूदगी को काबिले सताइश तो करार दे दिया, लेकिन रेंजर्स को किसने बुलाया इस जवाब के लिए शायद फिर कोई GIT बन जाए। वजीर दाखिला को अदालत में दाखिले से रोकने पर अराकीनी पार्लियामेंट क्या कहते हैं ये आपको दिखाते हैं। पता को चाहिए था कि वो अपने डिप्टी कमिश्नर और बाकी लोगों से पूछते जिन्होंने रेंजर्स को बुलाया था
अदालत से पूछ थी। हेयरिंग के बाद रेंजर्स को कहा था कि रेंजर्स आए, तो इसलिए एसएसपी ने भी कहा कि रेंजर्स को आना चाहिए, तो उनको चाहिए था कि उनसे पूछते। और जब लिस्ट मांगी गई कि कौन कौन से लोग जाएंगे कौन, तो उसमें अपना नाम लिखते। कानून की पाबंदी करने से कोई इज्जत कम नहीं होती, कानून की पाबंदी करने से इज्जत बढ़ती। उन्होंने जो कहा ठीक कहा, इसलिए कि अगर एक वजीरे दाखला के जो नीचे डिपार्टमेंट है, जो अदारा है, अगर वो उनकी मर्जी के बगैर काम करेगा, तो फिर तो ये कहना पड़ेगा ना कि रियासत के अंदर एक और रियासत काम कर रही है। वजीर को अपने आप पर इंक्वायरी करनी होगी, क्योंकि अथॉरिटी इवेंचुअली उनकी है, तो अगर उनकी खुद की अथॉरिटी को चैलेंज किया गया है तो पहले बयान ना देते, पहले इंक्वायरी करते कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि उनको रोका गया है। अरकीन पार्लियामेंट के क्या व्यूज थे ये तो आपने जाने, और कल सारा दिन ही हम देख रहे थे इसी हवाले से बातचीत होती रही, फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज बनाई गई कि फैक्ट पता चल सके, लेकिन फाइंडिंग्स इन एट द एंड कुछ भी नहीं मिली है। तो जनाब सारी सूरत हाल आपके सामने है, सब में जो बात की जा रही है कि रियासत के अंदर एक और रियासत, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जिसको कल इमरान खान ने भी हाईलाइट किया, तो बात अभी जानने वाली ही है। इसके ऊपर हम मजीद भी बात करेंगे कि वाकई हमारी रियासत है, और साथ ही साथ जिस तरह के इल्जाम लगाए गए हैं, जिस तरह की बेबसी शो की है वजीर दाखला ने, तो क्या उनको वाकई उनके इख्तियारात जो है वो इस हद तक मजरूह हुए हैं, इस सब पर जो है वो आगे चल के हम बात करें। अच्छा, ये जो कल मामला हुआ है एहतसाब अदालत के बाहर, तो लोग तो इस बात के मुंतजर थे कि जी कमरे अदालत में क्या ट्रायल चल रहा है, किस तरीके से समाअत होगी, फिर क्या खबर आएगी। जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा अंदर तो नहीं जाने दिया जाता, तो फिर पॉइंट से पूछेंगे कि जी समाज में क्या हुआ, अब नेक्स्ट क्या होना है। लेकिन उससे पहले ही हमने देखा कि सिचुएशन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थी। मतलब एक तो सिचुएशन ये थी कि जी अंदर जाने नहीं दे रहे थे, एक बात तो ये थी, फिर दूसरी बात ये थी कि जब दानियाल अजीज आए और उनसे सहाफियों ने पूछा कि आप अंदर जाएंगे या आप को पता है कि आपको आपकी जो नाम है वो अप्रूव कर दिया गया है, तो बड़े मजे की बात थी कि दानियाल अजीज कहने लगे कि जी जिन लोगों के नाम लिस्ट में अप्रूव हुए वो जाएंगे। तो एक तो ये कि क्या ये वुजरा का आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं था, क्या इनके जो पोर्टफोलियोस चेंज हुए हैं उसके बाद इन लोगों को क्या ये बात नहीं समझ में आ रही है कि किस पोर्टफोलियो को किस तरह से लेके चलना है, किसके अंडर क्या चीज है। अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा लैक ऑफ प्लानिंग भी लगी, फिर कैब भी लगा, फिर दूसरा साद रफीक ने भी बयान दिया कि हो सकता है जी किसी लोकल ऑफिसर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, हम तो कोई टकराव नहीं चाहते। फिर हमने देखा कि एहसन इकबाल बड़े बरहम हुए, उन्होंने कहा जी मैं इस्तीफा दे दूंगा, फिर जब मैं इस्तीफा दे दूंगा फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी ये जो भी सिविल रिट को जिसने चैलेंज किया है मैं देखूंगा कि इख्तियारात के दायरे में क्या आता है, फिर मैं उसकी तहकीकात कराऊंगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि बयान आ गए, फिर मरियम औरंगजेब का भी बयान आया कि जी किसी को इजाजत नहीं है कि वो अपने तौर से बैकडोर फैसले करे। तो इस हवाले से देखा जाए ओवरऑल पूरी दुनिया में कल क्या मैसेज गया होगा कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे इस जमहूरी मुल्क में क्या हो रहा है, इसी बात के सब उठा रहे हैं। ऑपोजिशन सारी जो है वो इसी पर एतराजात उठा रही है और उनके एतराजात वजह है, यानी सब पर आगे चल के हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने देखी, लेकिन दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है, इस हवाले से अमेरिका का भी जिक्र हम यहाँ पर जरूर करना चाहेंगे। लॉस वेगस में जो कल हालात रहे हैं और ये सूरत हाल इंतहाई तश्वीशनाक रही कि किस तरह से कल फायरिंग हुई वहां पर और तकरीबन 60 के करीब लोग जो है वो अब तक लुकमा अजल बन गए और अभी भी काफी अफराद कहे जा रहे हैं जो कि जख्मी है। तो जब भी कभी बात होती है अमेरिका की, अमेरिका बात कर देता है कि दहशतगर्दी जो है वो मुस्लिम ममालिक की जानिब से की जाती है, लेकिन हमने देखा दहशतगर्दी का वाकया पेश आया तो उसने उसको दहशतगर्दी का वाकया नहीं कहा, ट्रंप की जानिब से उसको दहशतगर्दी का वाकया नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया कि जनाब ये कोई और शख्स है, इसका ताल्लुक किसी दहशतगर्द जमात से नहीं है। तो जाहिर सी बात है उनके अपने स्टेट के अंदर अगर इस तरह का वाकया होगा तो डेफिनेटली वो जवाब देते हैं। और अगर ट्रंप की बात की जाए तो जितनी सख्त पॉलिसीज हैं उनकी पाकिस्तान के साथ में, डू मोर, तो कल हम पूरा दिन यही ब्रेकिंग कर रहे थे और हम यही बात कर रहे थे कि किस तरीके से ये फायरिंग का वाकया पेश आया। मेरे ख्याल में अब अमेरिका के अंदर भी उनको सिक्योरिटी बढ़ाने की बड़ी जरूरत है, ताहाल उन्होंने एयरपोर्ट्स का निजाम जो है वो तो रोक ही दिया था, फ्लाइट्स और गन कंट्रोल करने की। हाँ बिल्कुल, लॉस वेगस में रेड अलर्ट था, जितने भी जख्मी थे उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था और ज्यादा जो जख्मी लोग हुए वो इस वजह से हुए कि म्यूजिकल कॉन्सर्ट जारी था, तो अचानक जब फायरिंग हुई है, स्ट्रेट फायरिंग हुई है, तो उसके बाद जो है लोग भागे हैं, तो जो भगदड़ मची है उसमें भी बहुत लोग जख्मी हुए। और अचानक से लॉस वेगस जैसे शहर में इस तरह का अगर वाकया हो जाए तो डेफिनेटली सबके लिए एक बड़ी खबर थी, ट्विटर पे, फेसबुक पे ट्रेंड भी था, बैन अलावामी खबरें भी इसी सानिया को रिपोर्ट कर रही थी। तो जनाब ये सारा वाकया हुआ और इतना सारा बोलने के बाद, इतनी सारी खबरें बताने के बाद अब मुझे भूख लगना शुरू हो गई। मेरा ख्याल है कि फिर आपको हम रेपिड रेसिपी दिखाते हैं कि आज क्या बन रहा है और हमारी शेफ जो है वो आज क्या बना रही है। लेट्स सी।
जनाब ये बड़ी जबरदस्ती रेसिपी आपने देखी और अभी हमें पीछे से आवाज आ रही है कि हमने खाया भी था, बहुत मजे का था। तो आई होप कि आप लोग इसको घर में ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगा। चले हम अभी खा लेंगे, ऐसी क्या बात है, हम अभी ट्राई करके देखेंगे, हम अभी खाएंगे कि रैपिड रेसिपी जो है हमारी कैसी बनती है। वैसे हमारी तमाम रैपिड रेसिपीज होती है और इनका जो तरीका होता है वो भी बड़ा हाइजीनिक सा तरीका होता है। आजकल वैसे सब मैं भी बहुत सी रेसिपीज घर में ट्राई कर रही हूँ, कभी मैं स्टेक बना रही हूँ, कभी मैं मैश पोटैटोस बना रही हूँ, तो मैं इन लोगों से जरूर कहूंगी कि इस तरह भी की भी कोई रेसिपीज आप बनाएं जो कि थोड़ी हेल्दी भी हो और जिसके अंदर जो है वो ऑयल का। मैं भी सोच रही थी कि मैं कुछ स्टार्ट करूंगी, कुछ कुकिंग वगैरह स्टार्ट करूंगी, तो डेफिनेटली जब भी मैं कुकिंग स्टार्ट नवंबर से आप कह रही है कि मैं कुकिंग स्टार्ट करूंगी, जब से मैं जब मैं हाँ कुकिंग स्टार्ट करूंगी तो मैं डेफिनेटली अनम को कॉल किया करूंगी और मैं अनम को पूछूंगी कि अनम अभी इसमें और क्या डालना है, बस आप अवेलेबल हो ना, वरना मेरी जो कुकिंग होगी वो उसमें कुछ मसले मसाइल आ सकते हैं। रेसिपीज हम आगे शूज में आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, फिर वक्त यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक का, हिम्मत जाएगा, स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब कुछ बात करते हैं एक ऐसी स्टोरी के हवाले से जिसने सबको ही चौंका दिया। गुलिस्तान जौहर में होने वाले खवातीन पर हमले के मुलजिम कौन है, कहा जाता है कि अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका। एज यूजुअल गुलिस्तान जौहर में खवातीन पर हमले करने वाला जाती दुश्मनी का बदला ले रहा है या फिर फिल्मों की स्टोरीज से मुतासिर होकर इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। बिल्कुल जनाब, मुझे तो जब ये वाकया पता चला तो बाहर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो फिल्म एक भारतीय थी, एक विलन, वो किरदार जो है वो मूवी से निकल के यहाँ पर आ गया है और इसी तरह खवातीन को टारगेट कर रहा है। अब ये शख्स कौन है, चाहता क्या है, क्यों खवातीन को निशाना बना रहा है और इसकी इन कार्रवाइयों से कितनी खौफो हिरास फैल रही है और अब तक मुलजिम भी पकड़ में नहीं आया है, इस सब पर ये रिपोर्ट देखिए। कहानी में क्लाइमेक्स सब ये एक ही शख्स है या इसके साथ पूरा गैंग ये काम कर रहा है, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। गुलिस्तान जौहर में सीसीटीवी की आंख इस विलन पर नजर रखे हुए है। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की भारी नफरी तायुनात है। अस्पताल से घर मुंतकिल होने वाली खवातीन के बयान भी ले लिए गए हैं। पुलिस ने गुलिस्तान जौहर में कायम तमाम अपार्टमेंट्स की यूनियन से राबता भी कर लिया, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में जामे कराची पहुँच कर भी तफ्तीश की है। बिल्कुल, तो इसका क्लाइमेक्स अभी बाकी है कि ये विलन क्यों बना है। इस पर जो है इस वक्त जो तलबा है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के, उनका क्या कहना है, उनके क्या तासुरात है, आइए वो भी सुनवाया। रोकना चाहिए जाहिर सी बातें और सिक्योरिटी ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए कि ऐसे हेलमेट तो आप लोगों ने बोल दिया कि लगाएं, लेकिन उसके अंदर भी तो देखें कि हेलमेट में कैसे काम होए जा रहे हैं। यहाँ के लिए कुछ सिक्योरिटी दे हमें, क्यों हम लड़कियाँ हम सुबह से आए हुए शाम में वापसी हमारी होती है, उस रास्ते से जाना तो एक डर रहता है दिल में। मेरे ख्याल में वो जो भी है उसके साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो लूटता भी नहीं है लोगों को और मतलब सिर्फ चाकू के वार से मार के चले जाता है। हमने गॉसिप भी सिर्फ जस्ट ये सुना है कि जैसे हम लोग भी यूनिवर्सिटीज आते हैं तो गुलशन का मेन रास्ता है जिस पे ये लोग स्पेशली लेडीज़ पे वॉर कर रहे हैं, बस यही है और हम लोग आपस में ये केयर ही कर रहे हैं, अदरवाइज तो और कुछ भी नहीं। सिक्योरिटी का तो प्रॉब्लम है जाहिर सी बात है, रात में लाइटिंग का प्रॉब्लम होता है यहाँ पर, जगह जगह मतलब अंधेरे होते हैं यहाँ। यूनिवर्सिटी में तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं है, बट यही गर्ल्स के लिए मसला होता है, वो लेट नाइट जाती हैं, 8 बज जाते हैं, 7:30 हो जाते हैं, तो उस एरियाज में हो रही प्रॉब्लम तो गर्ल्स को इशू हो रहा है। प्राइवेसी देनी चाहिए गर्ल्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अकेले निकलना, सेपरेट घर से अकेले निकलते वक्त 10 दफ़ा हम सोच रहे हैं कि हाउ टू मैनेज, कैसे हम यूनिवर्सिटी पहुंचे और सेफली पहुंच पाएंगी नहीं, फिर वापस रात हो जाती है जाते हुए, और ऐसे केसेस आ रहे हैं तो इसके लिए कोई एक्शन लेना चाहिए। नहीं, लेकिन यूजुअली यूनिवर्सिटी गेट वगैरह पे बहुत सारे स्नैचिंग वगैरह के वाकयात और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। सिर्फ एक गेट को इस तरह सिक्योर किया हुआ है कि वहाँ से कोई पगड़ पास दिखाया अंदर नहीं आ सकता, कोई और अंदर नहीं आ सकता यूनिवर्सिटी के अलावा, बाकी सब गेट ऐसे ही खुले हुए हैं, कोई भी मुँह उठा के अंदर आ जाता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो आपने सुना कि क्या स्टूडेंट्स कह रहे हैं, और स्टूडेंट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हर कोई बिंगा गर्ल आप डर का शिकार होते हैं कि जी हम बाहर जा रहे हैं, इस तरीके की वारदात हो रही है। और गुलिस्तान जौहर के हवाले से मैं आपको एक बात कहूँ कि कल ही मैंने अपनी अम्मी को कहा कि मुझे वो जौहर जाना है और वहाँ पर मुझे जो है कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, तो फ़ौरन से अम्मी ने मुझे कहा कि नहीं नहीं वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। तो इन वाकयात की वजह से जो ये छुरियाँ मारने के वाक़े हो रहे हैं कि कोई भी लड़की जा रही है उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो एक जगह एक इलाके
इलाके को ये टारगेट किया जा रहा है। इस वजह से वो लोग जो कि शरारत करते हैं अपने तौर पे लड़कियों के साथ, वो लोग भी सरगर्म हो जाएंगे। जो भी इनके जितने भी गुंडा टाइप लोग होते हैं, जितने भी ये किलर्स होते हैं, इस तरह की और भी वारदातें देखने में आएंगी अगर इस सूरत हाल को जल्द अज जल्द कंट्रोल नहीं किया गया। और स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो जहाँ पर हर यूनिवर्सिटी के अपने शटल होते हैं, हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी पिक एंड ड्रॉप होती है, वहीं पर भी अब सिंध गवर्नमेंट को कुछ इस तरह के एग्जाम करने चाहिए कि लड़कियों के लिए प्रॉपर से कोई अलग ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करें। टिल देन ये मसला हल नहीं हो जाता और सिक्योरिटी के साथ उनको उनके पॉइंट से ले रहे हैं। और फिर साथ ही जो स्टूडेंट है ये बात कर रहा था कि स्टूडेंट की बात भी बड़ी वैलिड मुझे लगी है कि जी ये सिर्फ मारता है खवातीन को और उसके बाद वहां से भाग जाता है, ना कोई लूटमार देखने में आ रही है, ना किसी किस्म की और कोई चीज, या उनसे कोई नकदी या सोना कोई ऐसी चीज उन्होंने पहनी हो तो वो लेके जाए, यानी चोरी की कार्रवाई तो नहीं है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल भी कोई एलिमेंट इसमें शामिल हो सकता है कि वो शामिल है, इस तरह की किसी प्रॉब्लम से दो चार है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह कि हफ्ते से ज्यादा इस वाकये को हो गया और खवातीन दिन ब दिन जख्मी हुए जा रही है, इस छलावे को अब तक पकड़ में नहीं लिया सका। छह मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है और इस हवाले से तहकीकात भी की जा रही है। सुहेल अनवर सियाल का भी बयान आया, फिर रेडी ख्वाजा का भी बयान आया, वजीर आला सिंध ने भी तहकीकाती रिपोर्ट जारी करने का कह दिया है। अच्छा, राव अनवार जो है वो बहुत एक्सपर्ट हैं तमाम चीजों को देखने में और तहकीकात करने में, तो आई एम श्योर कि अब डेफिनेटली पुलिस की जानिब से भी जो है वो किया जा रहा होगा तहकीकात का मामला, उनकी जानिब से भी सर्चिंग जारी होगी। लेकिन ओवरऑल ये वाकया कराची में इस तरीके से सामने आना, इस तरीके के वाकया जो है वो हम कभी सुनते थे लाइक मूवीज में सुन रहे हैं कि कोई सीरियल किलर टाइप आया है जिसने एक ही तरीके से जो है काफी लोगों को मारा है, चुरा मारा है। सबा हम लोगों ने मतलब तो लाइव देखा है सीट के ऊपर खवातीन के ऊपर तेजाब फेंके चले जाते थे, अभी हमारे पाकिस्तान में होते रहे। तो खवातीन की इनसिक्योरिटी जो है वो इस वक्त बढ़ती जा रही है, स्पेशली जो लोग इस वक्त कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, उन लोगों के खदशात इतने बढ़ चुके हैं कि लोग डरना शुरू हो गए अपनी बेटियों को बाहर अकेले भेजने से। तो ये एक बड़ी तश्वीशनाक सी सूरत हाल है हम सबके लिए, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं, शहर के बासी हैं और हम लोगों ने इसी शहर में चलना फिरना है, तो हमारी सिक्योरिटी को इंश्योर करना इस वक्त सबसे अहम और जो खास बात है वो यही है कि हम लोगों की सिक्योरिटी जो है। चले जी, सिंध गवर्नमेंट जो है वो गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से ये भी पुकार सुन लेगी कि प्लीज इस मामले को जल्दी सॉर्ट आउट करें। अच्छा जी, अब वो खबर हमारे पास आई है जिसका इंतजार आज सभी को है, कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद से ये खबर हमारे पास आई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदारती इंतखाब के दौरान क्या कुछ हुआ, इस हवाले से हम आपको बताएंगे। लेकिन आज जो भी सियासी सूरत हाल होने जा रही है उसमें कारकुनान की धक्कम पेल के बायस वीआईपी गेट का शीशा टूट गया और इसी हवाले से हम मजीद आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अभी कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदारती इंतखाब के दौरान जो है धक्कम पेल में एक शीशा टूट गया और कल भी हमने देखा है आसिफ नवीद इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी आसिफ नवीद, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? लाइव आजमपुर में दूसरी तरफ शीशा टूटा था, उस तरफ आया था। आसिफ नवीद, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी इस वक्त जी 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 आसिफ बताएगा, कन्वेंशन सेंटर के बाहर इस वक्त क्या मनाजिर है? हाँ देखिए, इस वक्त कन्वेंशन सेंटर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कामर मुकम्मल हो चुका है। आपसे कुछ देर बाद ही यहाँ पर पार्टी की सदर के चुनाव होगा। 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, तकरीबन कुछ ही देर में जो है वो तमाम जो इस वक्त यहाँ पर जितने भी इंतजाम पहुंचे हैं वो चुनाव करेंगे। पार्टी सदारत का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, तो उम्मीद यही है। अच्छा आसिफ, अब मेरा ख्याल है आसिफ के साथ हमारा रابطہ मुनक़ता हो गया है, लेकिन आपको ये बताते चलें कि 10:30 बजे जो है यहाँ पर हमने देखा कि सदारती इंतखाब जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो नवाज शरीफ साहब है उनको पार्टी सदर बनाने के लिए तकरीब जो है वो की जा रही थी। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं जो कारकुनान है वो धक्कम पेल कर रहे हैं, हालात एक बार फिर से खराब है कन्वेंशन सेंटर के अंदर जो है वो इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदारती इंतखाब के दौरान हमने देखा कि कारकुनान आपस में धक्कम पेल कर रहे हैं। आसिफ नवीद हमें अपडेट कर रहे थे, इस हवाले से आपका बहुत शुक्रिया। चलिए जी, कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद के हवाले से जूं जूं खबरें आती रहेंगी तो डेफिनेटली हम अपने नाज़रीन को मज़ीद आगाह करेंगे। करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, मुल्की सूरत हाल में समातों का सिलसिला जारी है, नवाज शरीफ की नाहेली के बाद से उनके ऊपर जितने भी चार्जेस हैं उसके लिए अब जवाबदेही के लिए एहतसाब अदालत में भी उनकी पेशियां जो है वो जारी हैं। बिल्कुल जनाब, कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदारती इंतखाब के दौरान ये वाकया पेश आ रहा है और धक्कम पेल की जा रही है, कारकुनान की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है और तमाम तो सूरत हाल के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो इस वक्त कारकुनान जो है वो धक्कम पेल कर रहे हैं, हालात वहां पर एक बार फिर से कशीदा हो चुके हैं और ये चीज बड़ी कॉमन होती जा रही है। सब आए रोज कभी कौमी असम्बली के अंदर इस तरह के धक्कम पेल हो रही होती है, कभी इस तरह की जो जबानी तलखियां हैं, कलाम
अपोजिशन की अगर बात करें ना, तो अगर अपोजिशन को किसी चीज के ऊपर एतराज है तो अगर वो डाइस के सामने खड़े होके एहतजाज करते हैं तो चले समझ आती है कि जी उनको किसी चीज के ऊपर एतराज है तो वो एहतजाज कर रहे हैं कि जी उनकी ये बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन कारकुनान की जब बात आती है तो ऑर्गेनाइजेशन की बात आ जाती है कि आप कितने ऑर्गेनाइज हैं। अगर कारकुनान की बात आती है तो एटलीस्ट तमाम कारकुनान तहम्मुल का सब्र का मुजाहरा कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इस्लामाबाद का एरिया है, कन्वेंशन सेंटर है, वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदारती इंतखाब के दौरान जो भी हालात और वाकयात होंगे उसमें मेरे ख्याल में कारकुनान को बड़ा सब्र और तहम्मुल से रहना चाहिए। लेकिन ये पीटीआई की भी रिवायत है, ये हमने देखा कि नून लीग की भी रिवायत है, ये पीपल्स पार्टी की भी रिवायत है कि कोई भी अगर अहम डे, कोई भी बड़ा इंपॉर्टेंट डे है तो कारकुनान की धक्कम पेल सामने आती है। कौमी असेंबली या सेनेट में भी आए रोज ही हंगामा होती रहती है। इस वक्त आसिफ नवीद एक बार फिर से हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। आसिफ, क्या मनाजिर है इस वक्त, सिचुएशन कंट्रोल में आई है या नहीं? आसिफ के साथ मेरा ख्याल है रابطہ अभी हमारा नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से उनसे रابطہ बहाल करने की कोशिश करेंगे। फिर वक्त आपको अपडेट करेंगे। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदारती इंतखाब में नवाज शरीफ को आज सदर मुंतखब किया जा रहा है और इस दौरान कारकुनान में धकमपेल हो रही है। हमने देखा कि अपोजिशन जमातों की जानिब से भी काफी एतराजात उठाए जा रहे थे नवाज शरीफ की के सदर बनने के ऊपर, कि एक नाअहल शख्स किस तरह से वजीर आजम साबिक नाअहल जो है हमारे, उनको किस तरह से आप पार्टी सदर बना सकते हैं। तो ये एतराजात एक तरफ ये उठा रहे हैं, तो दूसरी जानिब नून लीग की जानिब से भी कहा जा रहा है तो फिर इस तरह मुशर्रफ साहब को भी आप फिर पार्टी सदर ना रहने देते, जब वो पार्टी सदर रह सकते हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब क्यों पार्टी सदर नहीं बन सकते। इसी सब पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर एहतशाम साहब ने लाहौर स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज नवाज शरीफ साहब को पार्टी सदर मुंतखब किया जा रहा है, बहुत से तराजात उठाए जा रहे हैं, एक नाअहल साबिक वजीर आजम को पार्टी सदर बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे, क्या तासुरात हैं आपके? देखिए, मैं तो इस रिवायत के तब से खिलाफ हूं जब आज से तकरीबन चार साल पहले सन 2013 के इंतखाबात होने वाले थे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समेत दीगर जितनी भी सियासी जमातें थीं वो तमाम जमातें टिकट्स के उम्मीदवारों के हवाले से फैसला कर रही थी कि किसे टिकट देना है, किसे टिकट नहीं देना। जी। उस टाइम पे आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सदर थे वो एजाज चौधरी थे और ये बात मशहूर है कि वो खुद बैंक डिफॉल्टर थे और 62-63 के मेयार पर पूरा नहीं उतरते थे, लिहाजा इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं थे। जी। लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी बोर्ड था, ना सिर्फ वो उसका हिस्सा थे बल्कि उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कंसिडर की जाती थी और उनकी रिकमेंडेशंस पे पंजाब में टिकटों की तकसीम हुई। तो मैंने तो तभी इस पर एहतजाज किया था, तो जब तब किया था उस पार्टी में होते हुए, तो आज भी करता हूँ कि बिल्कुल गलत रवायत है और नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, आप हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद रहिए और साथ साथ आपको अपडेट भी कर रहे हैं, इसी हवाले से आपको मज़ीद भी बता रहे हैं। और यहाँ पर गुड मॉर्निंग आज में हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, सो कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और नाअहल साबिक वजीर आजम के दोबारा पार्टी सदर बनने के हवाले से अराकीन पार्लियामेंट के क्या तासुरात हैं, आइए वो भी सुन लेते हैं। पहले भी वही पीछे था, अब सामने आ गया, अच्छा हो गया। और सारी असेंबली एक चोर आदमी को बचाने के लिए उसके पीछे खड़ी हो गई, इसकी क्या अहलियत है, क्या काबिलियत है, इसकी क्या रिस्पेक्ट है, जो करप्ट, जिसको असेंबली सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है, फिर उस पे रिव्यू ने भी करप्ट ही करार दे दिया, कोई तब्दीली नहीं हुई, घबराए नहीं, गैस हो गए। ड्यू टू अ होल रेंज ऑफ एविडेंस, ये और बात है कि लीगली अकामा उनको मिला, लेकिन ये तो है कि झूठ बोला गया है और पार्लियामेंट को झूठ बोला गया, कोर्ट्स को झूठ बोला गया, तो अगर आप ना अहल हुए हैं तो आप उसको अब कोर्ट्स के दायरे में या अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में आप वहाँ चैलेंज करें ना, अंडर द लॉ दैट इज गिवन। आप अगर उसके ऊपर ऐसा कानून बनाएंगे जो आप समझते हैं आपको रिलीफ देगा और आप अहल हो जाएंगे उसमें पार्टी को लीड करने के लिए, तो ये तो गलत काम होगा। अफसोस कर सकते हैं कि जो शख्स इसका अहल नहीं है कि वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सके, एमएनए बन सके, वजीर बन सके, जो बिल्कुल ही इन सारी चीज़ों से नाअहल है, ऐसे शख्स को आप पार्टी का सदर बनाने चले हैं, तो ये हमारी जमहूरियत की पीठ
कि मैं एक छुरा घोंपने वाली बात है। जिस तरह उनको नहल करवाया गया, अगर जमात के लोग उनको दोबारा से मुंतखब करते हैं, अगर तो फिर ट्रायल होता तो उन किसी को सजा होती तो फिर तो समझ आता था। और ये दूसरा नंबर पे मैं ये कहूँगा, ये कानून भी एक डिक्टेटर के दौर में बनाया गया, उससे पहले 1973 का जो आइन था उसमें ये नहीं थी। शेख को करप्ट है, ये कोर्ट्स ने उसको नाहिल करार दिया है और वो एहतसाब अदालत के अंदर पेश हो रहा है अपने करप्शन के केसेस को, यानी उन रेफरेंसेस को जो उसके अगेंस्ट करप्शन के तहत बनी हुई है उनको फेस कर रहा है। तो उसको अगर ये पीएमएल पाकिस्तान मुस्लिम लीग उसको दोबारा सदर बनाना चाहती है तो मैं समझती हूँ कि शर्म का मकाम है उनके 270 मेंबर्स का कि जिनके अंदर एक भी अहल आदमी नहीं है जो चेयरमैन बन सके उनकी पार्टी का। आपने सुना कि पार्लियामेंटेरियंस क्या बात कर रहे थे, इंतहाई तनकीद का निशाना बनाया। इसी पर मजीद गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर एहतशाम। सर, अब नई डेवलपमेंट हुई है, पार्टी सदर मुंतखब हो गए हैं नवाज शरीफ साहब। सेनेट के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत है। अगर सेनेट में इस कानून में तरमीम की गई और तरमीम के साथ साथ मजीद बिल पास होते हैं तो फिर आप नाअहल शख्स को पार्टी सदर बनने के लिए भी दोबारा नाअहल करार दिया जाएगा। इसमें आगे क्या रास्ता निकल सकता है? देखिए, अभी तो क्योंकि सेनेट ने भी ये बिल पास कर दिया और उसके बाद ये दोबारा ये ओरिजिनेट कौमी असेंबली में हुआ था, उसके बाद सेनेट में गया, सेनेट से वापस कौमी असेंबली में आया और अब कौमी असेंबली ने एक बार फिर इसे कल पास कर दिया। तो अब ये जाएगा सदर पाकिस्तान के पास और फाइनली जब सदर पाकिस्तान अपना कंसेंट दे देंगे इस बिल के ऊपर तो फिर ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा और कानून की हैसियत हासिल कर लेगा। लेकिन जैसा कि आपने अभी अपने क्लिप्स भी सुनवाए दीगर सियासतदानों के और दीगर कानूनी माहिरीन के, ये बात दुरुस्त है कि बादियों नज़र में ये जो प्रोविजन है 202 ऑफ दिस एक्ट, ये आइन के आर्टिकल 62-63 की रूह के खिलाफ है और गैर मंतकी है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल में कोई सियासतदान ही कह रहे थे आपके टेलीविजन शो पे कि अगर एक शख्स इज नॉट क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट तो फिर वो इस बात का फैसला कैसे कर सकता है कि उसकी पार्टी की तरफ से मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कौन बनेगा। क्योंकि ये एक गैर मंतकी इलॉजिकल बात है। तो इसके ऊपर अगर कोई भी अपोजिशन पार्टी सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, जैसा कि तहरीके इंसाफ ने भी इसका इजहार किया है, तो एन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रोविजन को स्ट्राइक डाउन कर दे। सही, ठीक। अच्छा एहतशाम साहब, जैसे कि अब इलेक्ट तो हो गए हैं नवाज शरीफ साहब, लेकिन नून लीग का अपना मौकिफ जो है वो इस हवाले से ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब को गलत बुनियादों पर नाअहल करार दिया गया है। अगर ये बात हम मान भी लेते हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अब ये तरमीम कर दी गई है इस कानून के अंदर, तो उन लोगों की हौसला अफजाई नहीं होगी इससे जो सही बुनियादों पर भी नाअहल करार दिए जाए? देखिए, जहाँ तक इस लेजिस्लेशन का ताल्लुक है, एक चीज़ जो मैं कल से नोटिस कर रहा हूँ कि हमारे मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर बहुत सारे बहुत बड़े बड़े एंकर्स और बहुत से सियासतदान बड़ा कैटेगोरिकली आकर ये कह रहे हैं कि जी कानून ये पास करवाया जा रहा है कि कोई भी क्रिमिनल अलॉन्ग विद डिस्क्वालिफाइड पर्सन, कोई भी क्रिमिनल जो है वो किसी भी सियासी जमात का हेड मुंतखब हो सकता है। जबकि जो ये प्रोविजन है इसकी वर्डिंग ये नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में पहले जो सियासी जमातों के हवाले से कानून था, बहुत पहले, वो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 1962 था। उसके बाद जब जनरल परवेज मुशर्रफ आए तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 आ गया, उसके अंदर ये प्रोविजन मौजूद थी। ये प्रोविजन क्या कहती है कि कोई भी शख्स जो हुकूमत पाकिस्तान की मुलाजमत नहीं कर रहा जी, उसको ये हक हासिल है कि वो कोई भी सियासी जमात बना सके या किसी सियासी जमात का मेंबर बन सके या फिर किसी सियासी जमात का ओहदेदार बन सके, मां सवाए उसके जो 62-63 के मेयार पर नाअहल करार दिया जा चुका हो। अब जो अभी का इलेक्शन एक्ट है जिसको पास किया कल कौमी असेंबली ने, उसमें एग्जैक्टली यही प्रोविजन उठा के उन्होंने रखी है। सही। लेकिन सिर्फ ये जो प्रोविजो है मां सवाए उसके कि जो 62-63 के मेयार पर नाअहल करार दिया जा चुका हो, उसको उन्होंने डिलीट कर दिया।
बाकी सारी प्रोविजन वही है। ठीक है, बाकी सारी प्रोविजन वही है, उसी वजह से तहरीक इंसाफ भी शोर मचा रही है, दीगर अपोजिशन रहनुमा भी इसी हवाले से शोर मचा रहे हैं कि एक तरफ तो आपके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, आप नाहल हैं, दूसरी तरफ आप पार्टी की जो है वो प्रेसिडेंसी संभाल रहे हैं। अच्छा, इनके प्रेसिडेंट बनने के हवाले से ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जो पार्टी का सदर होता है, अब नवाज शरीफ मुंतखब हो गए पार्टी के सदर, और उसके बाद अब जब सदर पाकिस्तान की तरफ से जब मुकम्मल तौर पर गो अहेड दे दिया जाएगा तो फिर रजिस्टर भी हो जाएंगे, तो इस हवाले से बताएं कि अब इनकी क्या जो है वो रिट होगी, किस तरीके से ये अपनी पार्टी को चला सकते हैं, इसकी कानूनी हैसियत क्या होती है? देखिए, जो भी उनकी पार्टी का मंशूर है, बिकॉज इलेक्शन के हवाले से जो कवानीन है और पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से जो कवानीन है, उसमें पार्टी प्रेसिडेंट के पास बहुत इख्तियार होता है। पार्टी प्रेसिडेंट पॉलिसी जो है वो डिटरमिन कर सकता है, पॉलिसी को फरोग दे सकता है। पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी मेंबर को जो कि सियासी जमात का हिस्सा है उसको सस्पेंड कर सकता है, उसको एक्सपेल कर सकता है। वो ये डिसाइड करता है कि कौन MNA का टिकट पर इलेक्शन लड़ेगा, किसको MPA का टिकट दिया जाएगा, सेनेट में कौन जाएंगे। तो बेपनाह इख्तियारात हैं जो पार्टी सदर के पास होते हैं। तो सबसे बड़ा जो इतराज है ऑपोजिशन का और दीगर लोगों का जो इस कानून के खिलाफ हैं, वो यही है कि जब एक शख्स खुद कानून के मेयार पर पूरा नहीं उतरता टू बिकम अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल, एहतशाम साहब यही बात मैं कर रही थी कि अभी उनके ऊपर ऑलरेडी कुछ यू नो चार्जेस हैं और क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर, और ऐसे में सदारत संभालने से डेफिनेटली परेशानियां जो है और जो प्रेशर है वो मजीद बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और सब पर बात कर रहे थे, और डेफिनेटली आज उनकी हो चुकी है पार्टी सदर मुंतखब हो चुकी है, तो अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून का आगे चल के क्या स्टांस होता है, पार्टी मजीद उनकी सदारत में स्ट्रांग होती है या फिर क्या तब्दीलियां जो है वो अब उनकी कयादत में हमें इस पार्टी में देखने को नजर आएंगी। सो गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का कहीं जाएगा, बट डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग, और इस वक्त आपको बताएं कि तलाल चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, और उसके बाद दोबारा मुशर्रफ ने साहब शामिल किया। इस पूरी तरमीम में सिर्फ अफसोस इस बात पे हुआ कि वो तरमीम जो भुट्टो ने की, वो भुट्टो की पार्टी ने न जाने किस खौफ में उसकी तरमीम करना चाही। ये तरमीम फिर एक दफा एक जमहूरी तरीके से कल निकाल दी गई, और नवाज शरीफ की बात नहीं है, ये पूरे मुल्क के लिए है, पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में जहां भी जमहूरी निजाम है, पार्लिमानी निजाम है, इसी तरह की कानून मौजूद है, वो हमारे हमसाया ममालिक हों या दूसरे ममालिक। मगर न जाने उस तरमीम की, उस कानून की इतनी तकलीफ क्यों होती है, जिसका कुछ ना कुछ फायदा जो है वो मियां नवाज शरीफ को मिले। क्या मियां नवाज शरीफ का हक नहीं कि उनको भी वही ट्रीटमेंट मिले, वही हकूक मिले जो आईन और कानून में किसी आम आदमी के लिए लिखे गए हैं? उनके साथ उनका ट्रायल और उनके साथ इंसाफ का मामला हो, उसमें भी उन्हें पूरा इंसाफ ना मिले, उन्हें वो कानूनी हक ना मिले जो आम पाकिस्तानी के हैं, उन्हें नाहल बगैर ट्रायल और बगैर अपील के कर दिया जाए, मगर दहशत गर्द हो या कोई और, उन सबको ये हक मिले, और ये भी हक सियासी तौर पर कि वो किसी पार्टी की सरबराई करे। अगर कानून देता है, अगर जमहूरी इकदार देते हैं, तो रोकने वाला कौन है? और ये फिर कहा जा रहा है कि PTI और शेख रशीद इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। ये हर काम PTI और शेख रशीद के ही जुम्मे लगा हुआ है कि उन्हीं ने चैलेंज करना है और उन्हीं ने निशाना बनाना है नवाज शरीफ को। और देखने वाली बात क्या ये है कि PTI और शेख रशीद की हर रिट पर क्या फैसला नवाज शरीफ या नून लीग के खिलाफ ही आना है? अदालतों पर इतना बोझ ना डाला जाए उनके कंधों पर कि उनके एहतराम में कमी आए, सियासी मामलात को सियासत की हद तक रखा जाए। मगर ये फिर कहते हैं चैलेंज करेंगे, शौक से करें। क्या इसलिए चैलेंज करेंगे कि नवाज शरीफ का भी हक है कि वो जमहूरी और कानूनी तरीके से सियासत कर सके? और वो शेख रशीद
जो हजारों सफों की रिटे करते हैं, जिन्हें इंग्लिश में अपना नाम नहीं लिखने आता, वो इंग्लिश की हजारों सफों की रिटे कहां से लिखवा के लेके आते हैं? शेख जी, जहां से तुम्हें रिट लिखकर आती है वो भी हमें पता है, लेकिन दिन लगेंगे कुछ, मोहरे सारे बेनकाब होंगे। नवाज शरीफ आज कल सदर नहीं था, आज सदर बनने जा रहा है, और हमारी लड़ाई और जंग का इख्तिताम और मंजिल जो है वो वोट का एहतराम, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो पहले भी वजीर आजम था और वो फिर वजीर आजम बनेगा, वहां इख्तिताम होगा। नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा नून लीग इसको 2018 में आईनी और कानूनी और जमहूरी तरीके से करेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता जो कानून और जमहूर से आए। और ये बात लिख लें, रोकने वाले जितना मर्जी रोकें, इज्जत देने वाला खुदा है, और ये जितनी भी प्लानिंग्स और साजिशें हैं ये पहले भी नवाज शरीफ के खिलाफ नाकाम हुई। 21 साल की नाहली उम्र से ज्यादा कैद, लांडी और अटक किले में रहने वाला नवाज शरीफ जब अल्लाह ने दोबारा वजीर आजम बनाया तो उसको अंदर करने वाले उससे रहाई की भीख मांग रहे थे। साजिश से नवाज शरीफ को नहीं हटाया जा सकता। ये कैसा मामला है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो कबूल है लेकिन नून कबूल नहीं है? हमें भी सियासत नहीं करनी जिसमें नून ना हो। नवाज शरीफ और नून, यही मुस्लिम लीग नून का नाम है। हम भी वही सियासत करेंगे जिसका नजरिया भी नून हो, जिसकी क्यादत भी नून हो, और वो सिर्फ नाम की नून ना हो। हम इंशाल्लाह ताला आज वो सदर होंगे और अगले इलेक्शन में वो दोबारा वजीर आजम होंगे। तो सर, जो कल का वाकया पेश आया, उसकी फाइंडिंग्स बताइए। बिल्कुल, उसकी रिपोर्ट घंटों में आएगी, उसकी रिपोर्ट घंटों में आएगी, और रिपोर्ट जो है वजीरे दाखला के पास आएगी। सबसे पहले फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी जो है वो आप जो वादा किया गया है वो घंटों में ही मुकम्मल होगी। और एक और बात, किसी अदारे के खिलाफ, किसी शख्स के खिलाफ नहीं, ये कानून की हुक्मरानी के लिए और ये देखने के लिए कि किसने वायलेशन की, किसने मनमर्जी की, ये प्री प्लान्ड था या ये अचानक हुआ। और ये एक नवाज शरीफ की बात नहीं है, इंसाफ ताले लगाकर नहीं हो सकता, और जमहूरी हुकूमत के होते हुए तो ताला नहीं लगने देंगे अदालत को। और वहां एक जज नहीं, 13 जजेस मौजूद हैं और उनका अमला जिनको ताला लगाकर अमलन मैसूर कर दिया गया। रिपोर्ट घंटों में ही आएगी और घंटों की 50 पूरी नहीं होने देंगे। इनिशियल फाइंडिंग्स क्या है? इनिशियल फाइंडिंग्स क्या? मेरा ख्याल है आप मेरे सारे भाई हैं, मैं आपके लिए लेकर आया था। आप कैमरों को कोई ऐसी खबर नहीं चलानी चाहिए जिसकी हकीकत ना हो। कोई ऐसी तरमीम नहीं की गई, कागजात नामजदगी में खत्म नबूवत के बारे में वो पैराग्राफ और हलफनामा आज भी मौजूद है। और ये इल्जाम घटिया लोग लगाते हैं, जब कोई इल्जाम इनके पास नहीं बचता तो फिर गद्दारी का इल्जाम लगाते हैं या तोहीन मजहब का इल्जाम लगाते हैं। ये अपना किरदार देखें, तोहीन मजहब का इल्जाम लगाने वाला मजहब की उससे ज्यादा तोहीन कर रहा है। कोई ऐसी तरमीम ना की है नून लीग ने, ना करेगी। तलाल चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि रिपोर्ट जो है वो घंटों में आएगी और कोई ऐसी रिपोर्ट ना चलाई जाए क्योंकि कोई तरमीम ऐसी नहीं की गई है। साथ साथ उन्होंने काफी तनकीद का भी निशाना बनाया अपोजिशन को, शेख रशीद और इमरान खान साहब के हवाले से। उन्होंने कहा कि क्या सारे काम इन्हीं लोगों को करने हैं, अगर ये चैलेंज करते हैं तो फिर चैलेंज करें, हम भी तैयार हैं। साथ साथ उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो कबूल है लेकिन नून कबूल नहीं है, तो हम वो सियासत करेंगे जिसमें नून भी होगी। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि रोकने वाले जितना रोकें, इज्जत देने वाले जो है वो अल्लाह ताला है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि आज वो सदर भी होंगे और कल वो फिर से एक दफा वजीर आजम भी बनेंगे। बिल्कुल जनाब, उनकी गुफ्तगू से मुतालिक आगे आने वाले बुलेटिन में आपको मजीद भी अपडेट रखेंगे, लेकिन आज की हमारी एक स्टोरी जो पाकिस्तानी फिल्मों के हवाले से है, और पाकिस्तानी फिल्मों में हम देख रहे हैं आइटम सॉन्ग्स का रुझान बहुत हद तक बढ़ चुका है। इस हवाले से कल हम आपको उमैर अलवी से भी मिलवाएंगे, उनसे उनका तज्जिया जो है वो इस हवाले से जरूर शो में शामिल करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तानी फिल्में
आइटम सॉन्ग के बगैर अधूरी होती चली जा रही है। हर मूवी के अंदर ये लाजमी जुज बन चुका है कि आइटम सॉन्ग होगा तभी मूवी हिट होगी। इस सब पर कल के शो में बातचीत की जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमारे शो का वक्त इख्तिताम हुआ है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, एंड कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग।